हमारा 1100 टन पर डे का जो वेस्ट निकलता है तो वो पूरा प्रोसेस नहीं हो पा रहा था, वो एक्यूमुलेट हो रहा था, और प्लस जो पहले का 40-50 सालों का एक्यूमुलेटेड वेस्ट था वो वहां पे पड़ा हुआ था। तो इन दो चीजों को एड्रेस करना था, एक तो हमें प्रोसेसिंग को 100% करना था जिससे कि अभी का हमारा जो वेस्ट है वो टेंचिंग ग्राउंड में डंप ना हो, और दूसरा जो ऑलरेडी डंप्ड गार्बेज है उसको हम लोग कैसे क्लियर करें। सबसे पहला काम था कि इन सारी चीजों को ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम करते हुए कैसे हम लोग ऑटो पायलट मोड पे लेके जा सके, इनकी मॉनिटरिंग को कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड कर सके। तो इसके लिए डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हमने एक डीपीएस कंट्रोल रूम बनाया, 19 स्क्रीन्स हम लोगों ने अलग अलग लगा रखे, वहां पे हमारा ऑपरेटर बैठता है वो फिर उनको रिजॉल्व करता है। कुछ स्टॉक डिवाइसेज हमने दे रखी है जीपीएस कंट्रोल रूम में जो व्हीकल्स में भी लगी हुई है। वेस्ट दो टाइप के होते हैं, वेट वेस्ट होता है, ड्राई वेस्ट होता है। वेट वेस्ट से हम लोग जनरली कंपोस्ट बनाते हैं और यहाँ पे मीथेन भी बनाते हैं। ड्राई वेस्ट में हम लोगों ने पहले यहाँ पे पूरा मैनुअल सेग्रीगेशन, ड्राई वेस्ट पूरा हम लोग इकट्ठा करते थे, लेकिन 700-800 ब्रेक मीटर्स लगने के बाद भी 100% सेग्रीगेशन नहीं हो पाता था। तो इसके लिए हम लोगों ने टेंडर करके एक हमने मैकेनिकल प्लांट अपने यहाँ लगवाया हुआ है, वो मैकेनिकली रोबोटिक मशीन से उसको सेग्रीगेट करता है। 300 टन पर डे का वो हमारा प्लांट है, तो वो 27 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करता है और उसको आगे फिर डीसेल कर देता है। प्लस अभी हम लोगों ने एक प्लास्टिक से डीजल बनाने का भी प्लांट लगाया हुआ है 8 टन पर डे। तो ये 3-4 चीजें करके हम लोगों ने पूरा प्रोसेसिंग अपनी 100% कर ली। अब उसके साथ हमने फिर स्टार्ट किया कि जो हमारा ऑलरेडी 13 लाख मीट्रिक टन डंप साइट पे पड़ा हुआ है उसको कैसे हम लोग क्लियर करें। तो कुल मिला के 17 मशीन हम लोगों ने 3 एजेंसी से लगवाई और उनको बोला कि आप हमको मशीन दे दो और आप भूल जाओ, फिर आप चले जाओ, हम ही उसको ऑपरेट करें। पूरी प्लानिंग और उन सब में 6 महीने लगे, 6 महीने में हमारा पूरा का पूरा वेस्ट जो है वो क्लियर। कुछ 100 acres की लैंड हमने रिक्लेम करी है। इस पूरे प्रोजेक्ट में हम लोगों ने less than 10 crore खर्च किए, उसमें से करीब करीब 10 acres में हम लोग गार्डन बनाएंगे और बाकी 90 acres में सिटी फॉरेस्ट बनाएंगे। जैसे हम लोग अपने घर में कोई भी गंदगी नहीं करते हैं, या कोई अगर घर का दूसरा मेंबर कोई गंदगी कर देता है तो हम उसको तुरंत साफ कर लेते हैं, सेम ट्रीटमेंट अगर हम लोग अपनी सिटी के साथ में, अपनी कंट्री के साथ में करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा शहर और हमारा देश भी उतना ही साफ रहेगा जितना हमारा घर रहेगा।